जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट हिलक्रिस्ट रेजिडेंसी की सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ आइएगा, आप ये देखिएगा कि हमारी जो स्टेयर्स हैं, यानी कि हमारी जो स्टेयर्स हैं और जो हमारा लॉबी का एरिया है, वो हमने बिल्कुल साइड के ऊपर जो हमने रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। इसका फ़ायदा क्या होता है, मेरे डाउन के SOPs के हिसाब से अगर आप अपनी जो स्टेयर्स हैं, अगर आप उसको अपनी बिल्डिंग के दरमियान में से अगर आप रखते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको इमरजेंसी स्टेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो इमरजेंसी स्टेयर्स बनाने की कॉस्ट है वो बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो बचा देते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपनी जो स्टेयर्स है या हमारी जो मेन एंट्रेंस होगी वो हमने बिल्कुल साइड के ऊपर की हुई है, और इससे क्या हुआ कि हमें इमरजेंसी स्टेयर्स जो हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ गई। यानी कि मैं जो इमरजेंसी वाला जो हमारा जितना भी पोर्शन है उसका खर्चा जो है वो हमें ज़्यादा जो है इसके ऊपर करना पड़ गया। लेकिन इसका सबसे फ़ायदा क्या होगा, इनके इसका फ़ायदा हमारे कस्टमर्स को क्या होगा कि उनकी कोई भी प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी। हमारे जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पूरे के पूरे जो शोरूम्स बने हुए हैं, अगर हम बिल्डिंग के दरमियान में से स्टेयर्स रखते तो उससे फैमिलीज़ की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने इसकी जो एंट्रेंस है और जो लॉबी है उसको बिल्कुल सेपरेट रखा। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारी प्राइवेसी भी बच गई है, और दूसरा यहाँ पर हमारा जो लॉबी का एरिया है वो हमें ज़्यादा जो मिल गया कॉर्नर पर होने की वजह से, यहाँ पर जो हमारी गेस्ट लॉबी बनेगी उसमें एक अच्छी खासी स्पेस जो हमें यहाँ पर मिल गई है। तो अगर आप हिलक्रिस्ट रेजिडेंसी के हवाले से अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इस पर